हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग सीख रहे हैं एमएस वर्ड 2007 स्टेप बाय स्टेप इन हिंदी। हिंदी में हम इस चीज़ों को सीख रहे हैं और बहुत ही आसान व सरल तरीके से सीख रहे हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था इंसर्ट मेनू के बारे में। अभी भी हम लोग इंसर्ट के बारे में ही कुछ जानेंगे। आपको तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई थी, क्लिप आर्ट, स्मार्ट। आज हम शुरुआत करेंगे चार्ट से। ये देखिए, हमारे पास एक चार्ट है। इस चार्ट क्या काम करता है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक चार्ट का ये पूरा बॉक्स आ जाएगा, विंडो बॉक्स। आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे आपको ये चार्ट दिखाई दे रहे हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया। तो ए लॉट ऑफ मेनी ऑप्शन डिस्प्ले हेयर। सो जो भी आपको जरूरत हो, इसमें से जो आपको आवश्यकता हो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चलिए एक पे किसी पे हम काम करते हैं और उसको देखते हैं, तो इसमें से हम इसको ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और ओके करते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे पास देखिए ये कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, एक्सेल की वर्कशीट हमारे पास खुल के आ जाती है और बगल में ये आ जाता है। ठीक है, हम इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद से हम एंटर कर देंगे और फिर क्या करेंगे कि हम इसे क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये पूरा कैटेगरी वन, कैटेगरी टू, कैटेगरी थ्री करके ये सारा हमारे पास आ गया, ये चार्ट भी आ गया। तो ग्राफ का जरूरत, अब देखिए इस ग्राफ को आप बेहतर तरीके से करने के लिए आपके पास इतने विकल्प दिए गए हैं। आप चाहे तो इसमें, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया, देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा ग्राफ आपका ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये नहीं पसंद है, चलिए ठीक है, मैं इस तरह से नहीं रखना चाहता, मैं ये रखना चाहता, वो ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो एक शेप मिलेगा, देखिए कितनी साइन वाली शेप बनी हुई है और एक 3D में एक शेप बना हुआ है। आप इस चीज को बेहतर तरीके से ये वर्ड में आप कर सकते हैं। वर्ड का वर्जन चाहे जो भी हो, काम करने के तरीके सब में अलग होते हैं। कुछ थोड़े बहुत कुछ फीचर्स बदल जाते हैं, कुछ सुविधाएं बदल जाती हैं। ठीक है, तो उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एमएस ऑफिस का जो भी हो, चाहे आप पुराना कर सकते हैं। हम लोग 2007 पढ़ रहे हैं, इससे आगे भी लेटेस्ट अगर जो भी आएगा, जो भी आ रहा है उसको भी आप सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको मैं कहीं किनारे रख देता हूँ और आगे चलते हैं, फिर हम इंसर्ट की और चीज़ों के बारे में सीखते हैं। पिछला हम लोगों ने ये सीखा था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ और ये भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ मैं इसे। मैं कंट्रोल के साथ ए करूंगा और डेल दबा दूंगा, ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इंसर्ट में आने के बाद से हम लोगों ने ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, अर्थात इलस्ट्रेशन के बारे में हम लोग बखूबी जान गए। अब हमें क्या करना है, अब एक देखिए स्मार्ट, स्मार्ट में के बारे में ये सारी चीज़ें, एक लिस्ट आता है, ये प्रोसेस आता है। कभी कभी आपको कोई चीज़ सर्कल में, साइकिल में दिखाना पड़ता है, जैसे स्टडी के समय, या कोई चीज़ ग्राफिकल रूप में आपको दिखाना है तो आपको एक कुछ राउंडेड शेप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया वन, यहाँ मैंने लिख दिया टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, और यहाँ कोई टेक्स्ट हम दे देते हैं, ये दे देते हैं H, और यहाँ मैंने दे दिया टू, और यहाँ दे दिया O। ठीक है, यहाँ पर हमने दे दिया, और इस के शेप को देखिए। अब इस शेप को कैसे करना है, हमने कुछ ऐसे डमी टेक्स्ट ले लिया है और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा 3D इफेक्ट्स बन गया आपके सामने। तो ये देखिए 1, 2, 3 कितना बढ़िया। अगर इसको कहीं डिजाइन करने के लिए आप जाएं और करें, तो जिन सॉफ्टवेयरों का आप यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो डियर स्टूडेंट उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है और एक एक डिजाइन को सेट करना। लेकिन एमएस वर्ड में इस तरह की प्लेटफॉर्म दी गई है, इस तरह की व्यवस्था दी गई है कि थोड़ा सा आप अगर ध्यान देते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को, आप अपने जो भी आप काम करते हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से आप बना सकते हो, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या काम किया, अलग अलग
अगर आपको ये लगता है इसमें यही नहीं है, और देखो ये इतना हमने इस पे क्लिक कर दिया, ये 3D व्यूज में आ गया। अगर नहीं, चलो ये नहीं पसंद है, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये नहीं पसंद है, चलो इस पे कर लेते हैं। यानी जो आपको इसमें लगे कि हमको ये, देखिए ये कितना प्यारा, इसमें मिरर इफेक्ट्स भी है, एक साइनिंग भी है और एक शीशे के जैसे इसमें इफेक्ट, जैसे मिरर इफेक्ट बोलते आप क्या करेंगे कि इस चीज को मैंने से, यहां पे देखिए, यहां एक ऑप्शन और दिया है जो आपको, जान लीजिए प्राइमरी थीम कलर, अगर आपका कलर ये मैंने दे दिया, कलर मैंने ये दे दिया, देखिए ये प्यारा कलर ग्रीन में आ गया और ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी आपके साथ विकल्प है, ये विकल्प आप यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ये नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, और ये तमाम तरह के कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसे ले लिया। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, अगर आपने इसको ऐसे ले लिया, देखिए ये सारी चीजें ऐसे दिखाई देने लगी, अब यहाँ भी अब ये सारा ऐसे आपके पास हो जाएगा। तो आपको जैसा इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से करना है, आप अपने काम की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा इंसर्ट मेनू के बारे में, हम लोगों ने स्मार्ट और चार्ट को कवर किया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज सेप पे आप काम करिए, सेप टूल पे जब आप काम करेंगे तो सेप टूल पे देखिए बहुत सारा काम आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे मैं एक सेप बना ले रहा हूँ, इस पे मैंने ये काम कर लिया, और ये इफेक्ट्स अगर आप देना चाहें तो कोई शैडोज इफेक्ट्स वगैरह आप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको दे दिया, और फिर इसके बाद से आप देखिए यहाँ पे, यहाँ आप क्लिक करते हैं कि किस तरह का हो, ये बटन्स आपके पास देखिए ये आपके पास बन के आ जाता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं। तो इन सब पे मैं यही कहूंगा दोबारा फिर से एक बार कि आप जरा प्रैक्टिस कर लीजिए, इनके एक एक चीज को उठाइए, कोई भी चीज छोड़िए नहीं, इसमें जितना भी बना हुआ है सबको आप उठाइए और एक एक क्लिक करिए, और एक एक पर क्लिक करते जाइए, उस पे काम करते जाइए, और जब इस तरह से आप करेंगे तो ये चीज आपको और सीखने के लिए आपकी क्रिएटिविटी डेवलप करती जाएगी, और आप बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे, हर एक चीज आपको याद हो जाएगा और होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज प्रैक्टिस करिए, और अगर आप यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, कमेंट देना ना भूलें, और यदि आप नए हैं इस वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन पे आप क्लिक करें, जैसे क्लिक करेंगे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड आप प्रिंट करें, जैसे आप प्रिंट पंच करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहां जाकर के लाल बटन पे आप क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब, जैसे करेंगे फिर सारे वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।